हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की जो एक ये वीडियो होने जा रही है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है आपका LIC AAO इंटरव्यू के लिए जो आपका बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म में क्या क्या और कैसे कैसे भरना है। और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक मैंने यूट्यूब पे लगाया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल बैंकर एंड मेंटर वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। मतलब ये आपका जो है एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको फिल करके इंटरव्यूअर को देना होता है। इंटरव्यूअर क्या होता है, वो आपका बेसिकली इस सारे जो फॉर्म होता है, ये बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म आपका, इसमें से वो सारे जो है आपकी सारी डिटेल वो इसमें देखेगा और उसके बाद उसके बेस पे ही आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाए, क्योंकि बायोडाटा फॉर्म में आपकी सारी जो डिटेल है वो उसमें आपकी जो है वो आ जाती है। तो मतलब मोस्टली जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बायोडाटा फॉर्म में से होंगे और बाकी जो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं वो फिर वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अपने तरफ से आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मतलब आपका बायोडाटा फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका बायोडाटा कम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो कि आपको LIC AAO इंटरव्यू में लेके जाना है। तो देखिए इसको कैसे भरना है। ये जो है फॉर्म आपको LIC की जो है साइट में करियर में जाके वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए कैसे भरना है। इसमें सबसे पहले देखो आपका यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ रिसेंट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसके ऊपर फोटोग्राफ लगा के आपको उसको साइन अक्रॉस कर देना है, मतलब साइन कर देना है आपको फ़ोटो के ऊपर। और आपको जब साइन करने हैं तो साइन इस तरह से करना है कि वो जो फ़ोटो का जो आपका फेस होगा उसके ऊपर मतलब ना आए, साइन आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। देन उसके बाद देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, आपको इसमें रोल नंबर लिखना है। देन आपका फुल नेम, आपका पूरा नेम आएगा, और ये जो सारा फॉर्म है आपको वो ब्लॉक लेटर में मतलब आपको कैपिटल लेटर में जो है आपको वो फिल करना है। देन उसके बाद फुल नेम, देन उसके बाद आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका आएगा, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, देन पिन कोड, देन आपका फिफ्थ नंबर पे आता है आपकी DOB, देन उसके बाद आपका आता है सिक्स नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका जो है बर्थ वो कहाँ पे हुआ है, फिर उसके नीचे आपको लिखना है कि किस राज्य में आपका जन्म हुआ है। देन आपका फिर आ जाता है सेक्स मेल फीमेल, देन आपकी मैरिटल स्टेटस, जहाँ पे इन्होंने कहा है जो लागू है वहीं पर टिक करें, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के नीचे, अनमैरिड है तो अनमैरिड के नीचे जहाँ पे भी, और अगर आप मैरिड हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको फिर लिखना है कि आपके जो है चिल्ड्रन वो कितने हैं। देन उसके बाद आपके फादर का नेम, और नीचे लिखा हुआ इन्होंने फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फिर वहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है। देन उसके बाद इन्होंने फिर आगे लिखा हुआ है कि आपकी जो जैसे आपने कैटेगरी लिखी है तो कैटेगरी में सब कैटेगरी आपकी कौन सी है वो लिखनी है, और अल्पसंख्यक हैं तो उसका यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। देन उसके बाद इन्होंने कहा है टिक वेरेवर, हाँ, तो उसके बाद इन्होंने ये भी यही कहा है 10th नंबर में कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो अगर आप में से कोई है ऐसा तो उसको उसके ऊपर टिक कर देना, और यहाँ पे उसकी जो है वो डिटेल आपको लिख देनी है। देन उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन, रिलीजन आपकी मदर टंग। देन उसके बाद इफ़ LIC एम्प्लॉय स्टेट इफ़ नो राइट नॉट एप्लीकेबल, यदि आप जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहले से LIC के जो हैं वो एम्प्लॉय हैं, जैसे कि कोई एजेंट है या कोई क्लर्क है या फिर कोई DO है, मतलब अगर वो फॉर्म भर रहा है तो उसको आपको यहाँ पे 12वें नंबर में उसकी डिटेल फिल करनी है। और अगर आप किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, मतलब आपका क्लोज रिलेटिव जैसे कि आपके फादर मदर या कोई भी जो है, अगर वो LIC में रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपको उनका लिख देना है। देन उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, 10th आपकी, 12th आपकी ग्रेजुएशन, देन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको लिख देना है। देन उसके बाद आपका आता है लैंग्वेजेस नोन, आपको लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखनी है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद आपकी कोई भी जैसे लोकल
आपकी लैंग्वेज, जैसे मैं बात करूँ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, आपको पढ़ना लिखना स्पीक, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है, जैसे आप फॉर्म भरते हुए भी देखते होंगे वैसा आप फिल करना है। देन उसके बाद आपको लिखना है अदर पर्टिकुलर लाइक अवार्ड्स और स्कॉलरशिप वॉन, यहाँ पे मतलब आपकी 16 नंबर पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपकी हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे आएंगी, अगर आपके पास हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है पर्टिकुलर ओ प्रीवियस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने फॉर्म में शो किया है कि आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आपको फिर यहाँ पे जो है आपकी जो भी आपका एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, मतलब आपका एम्प्लॉयर, आपकी जॉइनिंग, अभी किस पोजीशन पे हो, ग्रोथ सैलरी कितनी है, कब आपने छोड़ा है या आप परसुइंग कर रहे हो, मतलब तो अगर आप अभी भी वहाँ पे हो तो उसको आपको नहीं लिखना, डेट ऑफ लिविंग, रीज़न फॉर लिविंग भी छोड़ देना है। देन उसके बाद ये आएगा कि क्या आपके ऊपर कोई केस या कोई आपको कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया गया कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको नो कर देना, जनरली वो नो ही होता है। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस, इंडियन नेशनल ओनली, नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेट, मतलब ये जो 19वां नंबर है ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपके जो पड़ोसी होते हैं ना उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, और उनका जो है एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है दो लोगों का। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपसे वो रिलेटेड ना हो, तो मतलब आपके ब्लड रिलेशन में तो वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे नाम लिख के आपके यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, जैसे आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान सबमिट करते हुए किए थे। देन अब ये आपका जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मतलब ये एक तरह से आपका करेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट भी आप इसको बोल सकते हैं, इस बार जो है वो अलग से जो है कंडक्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, वो इसी में इन्होंने लिख दिया है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको वही करना है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, और जो इसको अटेस्ट करेगा वो लिखेगा यहाँ की कि वो आपको कितने टाइम से आपको जानता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देन उसके सिग्नेचर, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, और यहाँ पे उसकी देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे सील लग के उनके जो है वो साइन होंगे, और नीचे इन्होंने बताया भी है कि जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो किसका वैलिड होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंटर स्टेट, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, देन पंचायत इंस्पेक्टर और एनी क्लास ऑफिसर ऑफ LLC, देन उसके बाद हेडमास्टर, प्रिंसिपल, तहसीलदार और डिप्टी तहसीलदार। तो मतलब ये जो लोग हैं ये इससे आप जो है आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन करवा सकते हो। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा बायोडाटा कम आपका जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो आपको LIC AAO इंटरव्यू के दौरान चाहिए होगा, और इसमें आपकी जो भी डिटेल है वो करेक्ट भरें, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बेसिकली बायोडाटा फॉर्म से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबने देख लिया कि बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म कैसे भरना है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जो बायोडाटा कम आइडेंटिटी फॉर्म जो है भरना है वो किसी को कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप क्वेरी अपनी रेज कर सकते हैं, बैंकर एंड मेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले जो LIC से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे या AAO से रिलेटेड या ADO से रिलेटेड, वो मैं आपको जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलते रहेंगे तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।